बंदा आता है होटल में कस्टमर, वो 24 घंटा रहता है, तो उनका बेडशीट वगैरह सब क्लीन करके देना, चाय के हुआ देना है, उन लोगों का जो कपड़ा है हो सकता है उसको जाके धुला के आयरन करके ले आना है, तो ये सारे काम। हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। आज मैं एक भाई साहब के पास आया हूँ। ये भाई साहब सऊदी अरब में होटल में काम करता है। इससे पहले भी ये भाई साहब किसी होटल में काम कर रहा था, अभी सऊदी अरब में काम करता है। अगर कोई भाई सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन किसी भी मुल्क में अगर आप किसी होटल में काम के लिए आना चाहते हो तो कैसे आओगे, यहाँ आने के बाद आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ता है, सैलरी कितना है, कितना घंटा तक कितना घंटा ड्यूटी होता है, तो आज का वीडियो में फुल डिटेल्स में बताएंगे। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो? बांग्लादेश से आए हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जासिम मलिक है। भाई साहब, भाई साहब जो है बांग्लादेश से है, भाई साहब का नाम जासिम मलिक है। तो भाई साहब इससे पहले आप कहाँ काम कर रहे थे, सऊदी में या इससे पहले और किसी देश में काम करते थे? इसका पहले मैं बहरीन में काम किया। तो इसके पहले भाई साहब बहरीन में काम किया। बहरीन में क्या काम करते थे? ये होटल में ही? ये होटल में काम किया। तो होटल में क्या क्या काम होता है? होटल में होता है कोई नया बंदा होटल का काम कर लिया आएगा तो होटल का विषय का वीसा लेके आएगा, पहले उसको कॉमन लैंग्वेज जो यानी हर चीज़ का नाम होता है, यानी बेडशीट को क्या बोलेगा, पिलो कवर को क्या बोलेगा, ये शाही को क्या बोलेगा अरबी में, गावा को क्या बोलेगा अरबी में, ये सब लाजम सीखना चाहिए। अभी नया बंदा आएगा अपना मुल्क ये सारे सीख के आएगा या यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिक सीख जाएगा? उधर से थोड़ा कुछ सीख के आएगा अच्छा है। जैसा अरबी वो एक से मिनिमम 20 तक सीखेगा उसका लिए बहुत बहुत बड़ी बेहतर रहेगा। और इंग्लिश भी वो थोड़ा थोड़ा कॉमन लैंग्वेज यानी टी यानी कॉफ़ी उसको इंग्लिश में क्या बोलेगा अरबी में क्या बोलेगा ये सब सीख लेगा ना, उन लोग से सीख के आएगा उसको तकलीफ नहीं आएगा। यानी और जैसा ये कारपेट सफा करना ये हुबर मक्की ना कैसा आप चलाएगा ये उन लोग का भी ट्रेनिंग करा के देता है। अब जाके उधर ट्रेनिंग कर लो ये हुबर मक्की ना कैसे चलाएगा और ये कस्टमर का साथ हर टाइम स्माइल करके बात करना ये लाजम ज़रूरत है आपको। मतलब इनका कहने का मतलब ये है अगर आप कुछ भाषा सीख के आते हो जैसे आप अरबिक थोड़ा सा जानते हो, इंग्लिश जानते हो तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई होटल में काम के लिए आना चाहते हो तो जिस मुल्क से आप आओगे उस मुल्क में इन लोगों का एजेंट होता है, वो थोड़ा बहुत आप लोगों को सिखा देता है। तो इनका कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो होटल का जो काम होता है, आपको जो ब्लैंकेट होता है उसको क्या बोलता है और बेडशीट को, चेयर को, इसको सब क्या बोलते हैं अरबिक में, थोड़ा बहुत आप सीख लीजिएगा तो अच्छा होगा। क्योंकि हो सकता है आपको जो यहाँ मैनेजर है वो बताएगा बेड का जो कवर है उसको चेंज करने के लिए, दूसरा कुछ काम करने के लिए बताएगा, तो ये थोड़ा बहुत अगर आप जान लेते हो तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जो काम होते हैं आपका क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है? जैसा हम लोग ये घर में काम करते हैं ये बिल्कुल घर का काम है, बस इधर होटल में ये जो फाइव स्टार होता है मतलब उसका अलग काम होता है, टू स्टार का अलग काम होता है, स्टार का अलग होता है, बस काम तो सब एक ही है। मतलब होटल का जो है होटल में कस्टमर आएगा रहने के लिए, जो भी बंदा आता है होटल में कस्टमर वो 24 घंटा रहता है, तो उनका बेडशीट वगैरह सब क्लीन करके देना है, घर का साफ सफाई करना है, चाय के हुआ देना है, उन लोगों का जो कपड़ा है हो सकता है उसको जाके धुला के आयरन करके ले आना है, तो ये सारे काम होता है। तो होटल में जो काम होता है कितना घंटा से कितना घंटा ड्यूटी होता है? मिनिमम सऊदी में 12 घंटा ड्यूटी होता है। अच्छा, कोई बंदा आएगा तो यहाँ 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, तो इस 12 घंटा ड्यूटी में दिन या रात होता है या कोई दिन में रात में ऐसा कोई बात नहीं? टाइम में होता है, किसी को नाइट में डालेगा, किसी को डे में डालेगा, किसी को नाइट और डे ऐसा करके देगा बस। लेकिन इधर आने का पहले जो बंदा आएगा लाजम अच्छा बात करके आएगा जो इधर लाएगा, कहीं के लिए इधर आने का बाद दूसरा सिस्टम हो जाता है। पहले वाले का 8 घंटा ड्यूटी, सऊदी में 8 घंटा ड्यूटी नहीं है, किधर होटल में 12 घंटा ड्यूटी होता है। अच्छा, कोई एजेंट अगर आपको बोल के लाएगा कि 8 घंटा ड्यूटी है तो बेकार है। इनके कहने का मतलब 12 घंटा ड्यूटी है, आप लोग जिस एजेंट से काम करवाइएगा उस एजेंट से सही है, उनसे पूछ लीजिए कि कितना घंटा से कितना घंटा ड्यूटी है, कौन सा होटल में काम कराएगा। तो होटल अगर किसी कंपनी से वीज़ा लेते हो, किसी एजेंट से वीज़ा लेते हो तो वो सारे एजेंट आप लोगों को थोड़ा बहुत सिखाएगा कि यहाँ पे क्या काम होता है। तो यहाँ पे कोई बंदा नया आता है तो उनका सैलरी कितना होता है?
सैलरी मिनिमम 1200 से ऊपर 1500 तक है। जो आदमी बोलेगा 1800 देगा 2000 देगा वो बिल्कुल सही नहीं बोलेगा। पहला आपको 1200 से शुरू करेगा, बाद में आपका एक्सपीरियंस कितना भी ज़्यादा आएगा ना वो टाइम आपको मुझे लोग आप बोलेगा मेरा अभी एक्सपीरियंस है, मैं अभी अच्छा काम करता है, अच्छा सर्विसिंग करता है, बाद में आप मुझे लोग को बोलेगा वो लोग उसका मर्जी से आपका सैलरी के हिसाब में आपको साल में सैलरी थोड़ा थोड़ा बढ़ाए। तो इनका कहने का मतलब ये है कोई बंदा नया आता है तो 1200 से लेकर 1500 रियाल तक आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ आने के बाद अगर आप काम अच्छा करते हो, आपका वो काम जो है मुदीर को अच्छा लगता है तो वो आपका सैलरी एक साल के बाद दो साल के बाद वो बढ़ाएगा। तो सैलरी जो है आपको स्टार्टिंग में 1200 से लेकर 1500 रियाल मिलेगा। तो खाना पीना और रहना किनका है? खाना बस अपना है और रूम तो लाजिम मिलेगा और कोई भी होटल में खाना अपना खाएगा अच्छा है क्योंकि अपना हिसाब से बनाएगा। अच्छा। अगर वो होटल का हिसाब से खाना होएगा ना आप लोग को तकलीफ होएगा ज़्यादा, अच्छा बराबर करके नहीं खा सकता, अपना सिस्टम में आप बनाएगा अच्छा है। कोई भी होटल में है बोलेगा हम अकेला बनाएगा हम अलग खाएगा वो पैसा देगा। अच्छा, इनके कहने का मतलब ये है बहुत होटल ऐसा है कि खाना देता है, ज़्यादातर होटल ऐसा है कि आपका खुद का ही खाना होता है, होटल में रहने का फ्री होता है, खाना बना आपका खुद का होता है। तो ये है होटल का जो काम का प्रोसेस है। अगर कोई बंदा आना चाहते हो सऊदी, दुबई, कातर, बहरीन, किसी भी मुल्क में किसी भी होटल में काम करने के लिए अच्छा एजेंट से कांटेक्ट कीजिए। वो एजेंट आपको जो वीज़ा देगा, वीज़ा लेने से पहले उनसे बातचीत कर लीजिए कि काम क्या होगा, क्या क्या होगा, तो वो सब आपको बता देगा। कुछ भी अगर क्लास करना है तो एजेंट आपको क्लास करवाएगा, क्या क्या काम करना पड़ता है होटल में, सब कुछ बता देगा। तो आई होप कि आज का वीडियो में आप लोगों को होटल के बारे में कुछ नॉलेज मिला है, होटल का में जो काम में आने के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों को अच्छा जानकारी मिला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।